पंपोर के ईडीआई हॉस्टल में करीब 12 घंटे हो गए हैं आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। इमारत की बिल्डिंग में अब भी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर हमें मिल रही है। ये देखिए वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने की वजह से आपको हम ये बता दें कि ये तस्वीरें लाइव नहीं है, ये तस्वीरें बहुत देर पहले की ली गई तस्वीरें हैं पंपोर की। सुबह 6:30 बजे से मेरे पीछे जो ईडीआई की बिल्डिंग है वहाँ एनकाउंटर शुरू हुआ है। वहाँ खबर आई थी कि 2 से 3 मिलिटेंट्स इसमें घुस गए हैं, उसके तुरंत बाद इसको कॉर्डन में लिया गया। अभी इस वक्त अगर की सिचुएशन की हम बात करें, इस बिल्डिंग में चारों तरफ से गोले दागे जा रहे हैं, सुरक्षा बलों की तरफ से आरबीजेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ग्रेनेड दागे जा रहे हैं, आईडी विस्फोट किया जा रहा है। फैसला लिया जा रहा है इस वक्त कि क्या इस बिल्डिंग को बाहर से ही उतारा जाए, गिराया जाए आईडी के विस्फोट के जरिए, या फिर रूम टू रूम सर्च किया जाए, क्योंकि जो सेना है और सुरक्षा बल है वो नहीं चाहते हैं कि कोई कैजुअल्टी उनकी तरफ से हो, जैसा कि फरवरी के महीने में हुआ था। 2 कमांडोज थे वो उनकी जान चली गई थी। आप देख सकते हैं ये लगातार जो है आग की बल्बें उस बिल्डिंग से निकल रही है और लगातार इस पर निशाना किया जा रहा है, इस पर रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं, विस्फोट किए जा रहे हैं, आईडी ब्लास्ट किए जा रहे हैं, ताकि इस बिल्डिंग को गिराया जा सके और जो मिलिटेंट्स यहाँ पर छुपे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और 9 पैरा स्पेशल कमांडोज और SOG जो है उसको ये टास्क दिया गया है, वो इस बिल्डिंग के पैराफेरीज में चले गए हैं और अभी इसमें जो है लगातार वो कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और जो मिलिटेंट्स छुपे हैं सेना के मुताबिक उन्हें न्यूट्रलाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन फार मंजूर के साथ खालिद हुसैन, ईडीआई बिल्डिंग, पांपोर।